दोस्तों, टाइगर 3 की कमाई को देखने के बाद तरण आदर्श हैरान हो गए। तरण आदर्श कहते हैं, ये तो बवाल है और टाइगर 3 बेमिसाल है। इसकी कलेक्शन बता रही है कि ये जवान और पठान दोनों को पटकने वाली है। इस बार जो टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर कमाएगी वो इतिहास में लिखा जाएगा। टाइगर 3 ने अपने 5वें दिन भी 25 करोड़ रुपीज की एडवांस में ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है और टोटल आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच गया है। और आज भी बुक माई शो पर टाइगर 3 के हजारों में टिकट्स सोल्ड आउट हो रहे हैं। मानो टाइगर 3 की सुनामी पूरी इंडस्ट्री को हिला रही है। टाइगर अपनी फैमिली को टेररिस्ट और इंडिया के अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करता है और अपने मिशन को भी पूरा करता है और वहीं अपने देश भारत पर होने वाले अटैक को भी रोकता है। ये सारी चीजें देखकर आप थिएटर पर चिपक जाओगे और टाइगर को बार बार देखना पसंद करोगे। टाइगर मूवी में सलमान खान को धोखेबाज एजेंट दिखाया गया है जो कि अपनी फैमिली को पाकिस्तान के टेररिस्ट से बचाने की कोशिश करेगा। और वहीं इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। मनीष शर्मा ने जो बवाल चीज बनाई है उसने पूरी इंडिया में तहलका मचा दिया है। और वहीं इस मूवी में इमरान हाशमी का विलेन वाला अवतार भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ गया है। सलमान और इमरान की टक्कर देखने लायक है। तरण आदर्श कहते हैं, अगर टाइगर 3 की ऐसे ही एडवांस बुकिंग होती रही और वर्ल्ड कप के बाद टाइगर 3 ने अच्छी ग्रोथ दिखाई तो ये मूवी जवान और पठान दोनों से बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है, क्योंकि इसमें 3 बड़े सुपरस्टार हैं और तीनों के फ्रेंड्स टाइगर 3 को देखने आएंगे, तो मानो तबाही पक्की है। आपको क्या लगता है, टाइगर 3 कितना कलेक्शन कर सकती है? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप सलमान भाई के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको टाइगर 3 की सारी अपडेट मिलती रहे। और क्या लगता है, आपको टाइगर 3 इंडिया की सबसे बड़ी कमाई करने वाली मूवी बन सकती है? ये भी लाजमी बताना। धन्यवाद।